नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कम मतदान वाले गांव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु लगाई गई चौपाल। चुनाव में अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं, ऐसा क्षेत्राधिकारी ने कहा है। आपको बता देते, चुनाव आयोग के निर्देश पर 68 लालगंज लोकसभा, 343 अतरौलिया विधानसभा के बूथ संख्या 312 चक रजई में विधानसभा लोकसभा चुनाव में पूर्व में हुए सबसे कम मतदान के दृष्टिगत चौपाल लगाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। मतदाताओं को बूथ पर समय से पहुंचकर मतदान करते हैं तो 10 व्यक्तियों की बुलावा टोली तैयार की गई है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि मतदान तिथि 25 मई 2024 के दिन घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित कर बूथ पर भेजेंगे। जिलाधिकारी बुढ़नपुर प्रेमचंद मौर्य द्वारा बताया गया कि पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले 20 बूथों का चयन किया गया था। इसी क्रम में बूथों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए चुनावी चौपाल लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिससे मतदाता जागरूक हो और मतदान प्रतिशत बढ़े। एसडीएम ने कहा कि चौपाल का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। चक्रजई में मतदाता चौपाल कार्यक्रम में एसडीएम ने मतदाताओं को शपथ दिलवाई और मतदान के प्रति जागरूक किया। चौपाल में कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति सभी लोगों को जागरूक होना है। वहीं क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह ने कहा कि मतदान में अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा तथा अराजक तत्वों पर विशेष नजर रहेगी। आयोजित चुनावी चौपाल में उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर प्रेमचंद मौर्य, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर किरण पाल सिंह, तहसीलदार बुढ़नपुर अरुण कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार आदि लोग उपस्थित रहे।